ऑलराउंडर की फौत के साथ उतरेंगे महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल का पांचवा खिताब जीतने के लिए तैयार है सीएसके की टीम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के कारण नई वीडियो में। दोस्तों, कौन कौन से दिग्गज ऑलराउंडरों के साथ उतरेगी सीएसके टीम, इस बार बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन और चाहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग टीम इस बार का आईपीएल खिताब अपने नाम करे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार है तो आईपीएल से जुड़े छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज की पूरी अपडेट। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल फ्रेंचाइजियों में से एक चेन्नई सुपर किंग टीम ने आगामी आईपीएल सीजन को ध्यान में रखते हुए अपना स्क्वाड बना लिया है। आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में चुने गए 7 खिलाड़ियों को खरीदने में, जिसमें से एक इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक हैं। जी हां, आगामी सीजन में बेन स्टोक चेन्नई सुपर किंग टीम के येलो आर्मी में खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, स्टोक पर चेन्नई सुपर किंग टीम ने ऑक्शन में 16.25 करोड़ रुपए लुटाए। यही वजह है कि आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दोस्तों, सीएसके सीजन के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और कीवी ओपनर डेविन कॉर्नर सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे, लेकिन इस बार माही अपनी टीम को ओपनिंग कॉम्बिनेशन बदल सकते हैं। जी हां, चेन्नई सुपर किंग टीम के लिए आईपीएल 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ और बेन स्टोक की सलामी जोड़ी के रूप में देखी जा सकती है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी चाहे तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मोइन अली को भी यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दोस्तों, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल जैसी टीमें इस टीम से बहुत सहमी हुई नजर आती है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग टीम के सबसे सफल ऑलराउंडरों में बेन स्टोक तहलका मचाते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले सीएसके के लिए ऑलराउंडर डेविन ब्रावो आईपीएल को बतौर खिलाड़ी टाटा बाय बाय कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद माही के पास हरफन मानो खिलाड़ियों की कमी नहीं है। माही चाहे तो अपनी प्लेइंग 11 5 ऑलराउंडर के साथ उतर सकते हैं, जिसमें से बेन स्टोक, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा और एवन पेट्रोडियस या काइल जेम्सन प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बॉलिंग की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग टीम के लिए आगामी सीजन में कई बॉलिंग ऑप्शन होंगे। दीपक चहर, मुकेश चौधरी नई बॉल से कहर बरसा सकते हैं। वहीं महेश तीक्षण, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी को स्पिन ऑप्शन दे सकते हैं। दोस्तों, बेन स्टोक, एडन पेट्रोडियस, काइल जेम्सन और शिवम दुबे के रूप में टीम के पास बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑप्शन भी शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, अगर इस बार की चेन्नई सुपर किंग टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें ऋतुराज गायकवाड़, बेन स्टोक, मोइन अली, मैथ्यू राइडर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, एडन पेट्रोरियस, दीपक चहर, मुकेश चौधरी, महेश तीक्षण टीम में शामिल होंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सीएसके टीम इस बार का फाइनल खिताब अपने नाम कर पाएगी या नहीं? आप अपने व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।